धोनी ने कितना झूठ कहा था कि कोई और आएगा जो मुझसे अच्छा खेलेगा, कोई और आएगा जो आपसे अच्छा देखेगा, फ्यूचर में कोई याद करे ना करे। धोनी ने गाते हुए कहा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, झूठ कहा था। क्योंकि धोनी एक इमोशन है यार, कभी ना खत्म होने वाला इमोशन, भौकाल, तहलका, आग, जलजला। और ब्रेकिंग न्यूज, बीसीसीआई की ओर से जर्सी नंबर 7 को लेकर ऐतिहासिक फैसला। धोनी ने रिटायरमेंट ली थी तब से ये चर्चा चल रही थी कि जर्सी नंबर 7 को भी रिटायर कर दो, और जर्सी नंबर 10 के रिटायरमेंट के बाद अब नंबर 7 की बारी है। मतलब ये जर्सी यंगस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होगी, फ्रेम करके लगा दिया जाएगा कि और नंबर ढूंढ लो। सबसे बड़ा सम्मान है अपने आप में, और इतना बड़ा सम्मान इसलिए क्योंकि ग्लोबली क्रिकेट को जो बढ़ावा दिया है आपने। इनके करियर की शुरुआत में किसने सोचा था, धोनी ने खुद नहीं सोचा होगा कि देश की कप्तानी करेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीत दिलवाएंगे, इतना वैल्यू ऐड करेंगे सिर्फ टीम भारत के प्लेयर्स नहीं, पूरे विश्व के प्लेयर्स की लाइफ में और उनके क्रिकेट में। नंबर 7 की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। दिनेश कार्तिक ने याद है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए कहा था कि उनके ऑनर में जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दो, और आज ये हो चुका है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके फैंस झगड़ पड़ते हैं कि मैं हूं सबसे बड़ा धोनी फैन, मैं हूं सबसे बड़ी धोनी फैन। या फ्यूचर में 2050 में जब कोई बच्चा अपने बाप से पूछेगा कि कौन है ये धोनी, तो पापा अपना सारा इम्पोर्टेंट काम का छोड़कर अपनी जान और इमोशंस लगा देंगे बताने में कि बेटा कौन है धोनी, थला माही, फिनिशर, सुपरस्टार, कि यूं कहे क्रिकेट के छोटे भगवान। फिल्मों में सुपर हीरोज होते हैं ना, ये हमारा रियल हीरो है। गोली से भी तेज है धोनी, 140 करोड़ का विश्वास है धोनी, हार भी जिसके आगे हार जाए, वो भारत का अहंकार है धोनी। कोई मैदान में नहीं बड़ा सामने जब धोनी है खड़ा, कोई मैदान में नहीं है बड़ा सामने जब है धोनी खड़ा, विकेट के पीछे से हमारी आंखों को जो होप दिलवाती है हजारों लाखों को। क्या ऐसा कोई रिव्यू नहीं बना है जो इस आदमी को जर्सी नंबर 7 में, नीली जर्सी में वापस ले आ सकता है। रिटायर हो रही है जर्सी नंबर 7 क्योंकि इसमें और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ धोनी वापस आ सकता है।